नमस्कार दोस्तों, अभी स्टेटस देखा, ऐसा स्टेटस बनाते आज सीखेंगे। तो इसके लिए सिंपली पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इधर जाएंगे, इमेज साइज सिलेक्ट कर लेंगे। दस 80 कर लेंगे और यहाँ पर सॉरी 19-20 कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद कलर में जाएंगे, कलर में जाते ही यहाँ ब्लैक कलर ले लेंगे और राइट कर देंगे। तो फिर ए पे क्लिक करेंगे और एक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करेंगे और फिर पेंसिल पे अभी इसके डिलीट कर देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, ओके कर देंगे, सब बड़ा कर देंगे इसको और इधर जाएंगे, एबी फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ दिख रहा नीचे नीचे से सेकेंड नंबर ब्लॉगर सेंड ब्लॉट, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे और यहाँ कर देंगे दोस्तों, इसको घुमा लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से और यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। वापस जाएंगे और अभी फिर बैक से हम जाएंगे, इनसे पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे, लिख लेता हूँ, आप लिख लेना और इसको यहाँ से घुमा लेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक करके सेट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर टैग समझाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे दोस्तों, पेंसिल पे लेंगे फिर पेंसिल, इस बार यहाँ एफ टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, एक क्या मालूम कहाँ चला गया। उसके बाद इधर फिर फॉन्ट में जाएंगे, ये ले लो, कॉपी कर लेंगे डबल, उसके बाद इसका कर यहाँ
कलर पे जाके ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये सभी कलर सिलेक्ट कर ले, तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से सेव इमेज कर लेंगे, सेव टू गैलरी, सेव हो गया। यहाँ कलर फिर इसका चेंज कर लेना, ये ऐसा ऐसा सेव कर लेंगे। दोस्तों कलर में जाके इतने जो इमेज दिख रहे ऐसे कलर वाले बहुत सारे इमेज बना लेना और सेव कर लेना, जितने अधिक बनाऊंगा इतना अच्छा रहेगा। दोस्तों यहां से सेव कर लेंगे इसको। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे और 9.16 रेशियो ले लेंगे। उसके बाद मीडियम जाएंगे और जो अपने पिक्सल में फोटो बनाई वो ले लेंगे, एक ब्लैक वाला और एक दूसरा, ऐसे सारे ले लेंगे। ऐसे फोटो बहुत सारे जितना भी बड़ा बनाना उस हिसाब से ले लेंगे और राइट कर देंगे। और दोस्तों अभी इनको छोटा कर लेंगे, कट कर लें, यहाँ खींच के भी छोटा कर सकते हैं। ऐसे सभी को छोटा कर लेंगे, ऐसे सभी को छोटा करते ही उसके बाद एक लेयर में जाएंगे, उसके बाद लेयर में जाएंगे और मीडिया में और ये लाइनिंग ले लेंगे। और यहाँ हिसाब से सेट कर देंगे और अभी बैकग्राउंड लगाएंगे। अब इसको फुल साइज कर देंगे और ओवरले एनिमेशन पे जाएंगे, प्ले चेक कर रहे हैं। दोस्तों अपना वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया, तो मैं प्ले करता हूँ कैसा वीडियो बना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो और जल्दी आप देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट कर लेंगे, या शेयर पे टच करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखा लगे तो दोस्तों अभी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया, कुछ ही देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा और अपने आप ये गैलरी में चला जाएगा।